हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मिंत्रा क्लोदिंग हॉल, क्योंकि अभी मिंत्रा पर सेल चल रही थी इसलिए काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए मैंने कई डिफरेंट आइटम्स परचेज किए हैं। सो आज के हॉल में मैं इंक्लूड करूंगी कुर्ती सेट, जंप सूट, स्कर्ट एंड डेनिम जैकेट वगैरह भी, क्योंकि अभी विंटर्स आने वाली हैं। सो अगर आपको कोई भी आइटम पसंद आता है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहां पर भी मैं काफी एक्टिव रहती हूं। सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट आइटम। ये सॉलिड ग्रीन कलर का टॉप है, इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 हैं एंड इसकी नेक लाइन राउंड है। मुझे इसकी नेक लाइन काफ़ी प्रिटी लग रही थी, एज यू कैन सी इसमें ब्लिंगी एम्बेलिशमेंट वर्क हो रखा है जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी वेयर काइंड ऑफ लुक दे रहा है। एंड इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रिटी कलर है। इसका एक और कलर वहाँ पे अवेलेबल था ऑफ वाइट, बट मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये वाला परचेज किया। एंड इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, पॉलिएस्टर मटेरियल है। मैंने इसमें जो साइज ऑर्डर किया है वो स्मॉल एंड द ब्रांड नेम सेसफराज। इसमें काफी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा था, मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी एंड लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो मुझे ये काफी प्रिटी टॉप लग रहा है, पार्टी वेयर काइंड ऑफ लुक दे रहा है एंड बहुत ज्यादा टू मच भी नहीं है लेकिन काफी प्रिटी लग रहा है। ओके, सो जो मैंने नेक्स्ट आइटम पिक किया है वो है ये सॉलिड ब्लैक फ्लेयर्ड मैक्सी स्कर्ट। सो मैंने ब्लैक कलर इसलिए पिक किया है क्योंकि आप इसे किसी भी कलर के टॉप के साथ मैच करके पहन सकते हैं, वाइट, येलो, पिंक या फिर इवन ब्लैक कलर के टॉप के साथ भी इसे पहन सकते हैं। एंड ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है प्लीटेड स्कर्ट, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। एंड इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, पॉलिएस्टर मटेरियल है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो अबाउट 1600 है लेकिन इस पर 60% तक का डिस्काउंट था इसलिए मुझे ये 640 तक का गया इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया। इसमें काफी सारे वेस्ट साइज भी अवेलेबल थे, 26 से 36 वेस्ट साइज तक अवेलेबल थे, मैंने 30 पिक किया है। एंड इसका जो वेस्ट लाइन है वो भी स्ट्रेचेबल है एज यू कैन सी, सो ये काफी अच्छे से प्रॉपरली फिट हो जाएगा। लेंथ भी इसकी काफी अच्छी है, मैक्सी स्कर्ट की जितनी लेंथ होती है उतनी है। सो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आई रियली लव दिस वन, हाईली रिकमेंड दिस वन गाइज। ओके गाइस, जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेज किया है वो है ये टील ग्रीन एंड मरून प्रिंटेड कुर्ता प्लाजो सेट। सो मैंने इसे स्पेशली फेस्टिवल्स के लिए परचेज किया है क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ये मेरे को काफ़ी यूज में आएगा। और मुझे इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ब्लॉक प्रिंट इसमें हो रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है जो। एंड इसमें जो कुर्ती है उसमें फ्रंट में वी नेक है एंड बैक साइड से इसमें राउंड नेक है। इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 हैं एंड फ्लेयर्ड स्लीव्स हैं, काफ़ी प्रिटी लग रही हैं जो। इसमें साइड में स्लिट दे रखी है एंड ये पूरी ए लाइन कुर्ती है। अब बात कर लेते हैं प्लाजो के बारे में। सो इसमें प्लाजो में साइड में जिपर क्लोजर दे रखा है, सो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाएगा। एंड बैक साइड से इसमें स्ट्रेचेबल भी है इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल भी होगा। एंड इसकी लेंथ भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, प्रॉपर सी लेंथ है जितनी मुझे चाहिए थी। एंड मैंने इसमें जो साइज़ ऑर्डर किया है वो एक्स्ट्रा स्मॉल एंड द ब्रांड नेम इज़ गेरुआ, 100% कॉटन मटेरियल है। सो या आई रियली लाइक दिस वन, फेस्टिवल्स के लिए यह मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने जो नेक्स्ट आइटम परचेज किया है वो है ये ब्लैक प्रिंटेड जंप सूट। इसका प्रिंट मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा था एंड इसमें शॉर्ट कॉलर प्रोवाइड किया है, इसकी जो स्लीव्स हैं वो शॉर्ट हैं, इसमें बैक साइड से इसमें स्ट्रेचेबल भी है, सो ये काफ़ी अच्छे से फिट भी हो जाए। एंड इसमें 2 पॉकेट्स भी दे रखी है, ये मुझे काफी प्रिटी लग रहा है। ये मैं काफी टाइम से एक जंप सूट लेने का सोच रही थी, सो ये मुझे काफी अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा था इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया। मटेरियल भी इसका काफी अच्छा है, पॉलिएस्टर मटेरियल है। मैंने इसमें जो साइज ऑर्डर किया है वो एक्स्ट्रा स्मॉल एंड द ब्रांड नेम इज मिस चेज, सो मुझे ये काफी अच्छा लग रहा है, आई रियली लाइक दिस वन। आप इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ डे आउटिंग पे आराम से पहन सकते हैं। इसका जो सेल प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी एंड द लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, सो इस हॉल का जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये सॉलिड ब्लू डेनिम जैकेट। मैंने इसमें ये वाला कलर पिक किया है, इसके 2 शेड्स वहां पे और अवेलेबल थे तो आपको जो भी शेड अच्छा लग रहा हो आप उसे पिक कर सकते हैं। इसमें फ्रंट में पूरी बटन्स दे रखी है एंड इसकी जो स्लीव्स हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, प्रॉपर फुल लेंथ की स्लीव्स हैं, एक बटन भी प्रोवाइड किया है। एंड इसमें फ्रंट में 2 पॉकेट्स भी दे रखे हैं जो मुझे काफ़ी कूल लग रही हैं। ये पूरा फुल लेंथ का जैकेट है, क्रॉप नहीं है, आप इसको किसी भी टॉप के साथ या फिर ड्रेसेस वगैरह के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं, काफ़ी कूल लगेगा ये। इसका जो मटेरियल है वो 100% कॉटन है एंड इसका जो ब्रांड नेम है वो स्टाइल स्टोन है। मैंने इसमें जो साइज ऑर्डर किया वो स्मॉल, सो ये मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा है। मैं काफ़ी टाइम से एक डेनिम जैकेट परचेज करना चाह रही थी लेकिन ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, इस टाइम पे सेल चल रही थी इसलिए मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया इसलिए मैंने इसे परचेज कर लिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
ओके गाइस, हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये पीच कलर्ड एंड ब्लैक प्रिंटेड टॉप। लुक एट द प्रिंट गाइस, कितना कूल लग रहा है। ये एनिमल प्रिंट हो रखा है इसमें। ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। एंड इसका जो नेक लाइन है वो राउंड है फ्रंट साइड से भी एंड बैक साइड से भी। इसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की हैं, शॉर्ट स्लीव्स हैं एंड पफी स्लीव्स हैं। ये पूरा एक प्रॉपर लेंथ का टॉप है, वेस्ट लाइन तक इसकी लेंथ है, मतलब ये क्रॉप टॉप टाइप का नहीं है। आप इसको आराम से ब्लैक जीन्स या फिर स्कर्ट्स के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं, ये काफ़ी कूल लगेगा। एंड मैंने इसमें जो साइज ऑर्डर किया है वो है स्मॉल। इसमें स्मॉल से ही साइजेस अवेलेबल हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज इसमें अवेलेबल नहीं था। ये मेरे को थोड़ा सा लूज हो रहा है तो मुझे इसको थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ेगा, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसमें जो ब्रांड नेम है वो स्टाइल कोशन, सो या मुझे ये काफ़ी कूल लग रहा है। ओके सो जो मैंने नेक्स्ट आइटम पिक किया है वो है ये कोरल पिंक एंड ब्लू प्रिंटेड स्ट्रेट कुर्ता। इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 हैं एंड इसकी स्लीव्स पे गोटा पट्टी वर्क हो रखा है, जो काफ़ी प्रिटी लग रहा है। थोड़ा सा फेस्टिवियर काइंड ऑफ टच दे रहा है। इसमें फ्रंट में मिरर वर्क भी हो रखा है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसकी जो नेक लाइन है वो राउंड है फ्रंट साइड से भी एंड बैक साइड से भी। मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है, पॉलिएस्टर मटेरियल है, मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा है। आप इसको फेस्टिवियर में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई रियली लाइक दिस वन। एंड इसमें मैंने जो साइज ऑर्डर किया है वो एक्स्ट्रा स्मॉल एंड द ब्रांड नेम इज W, सो या मुझे ये काफी प्रिटी लग रहा है। आई रियली लाइक दिस वन, हाईली रिकमेंड दिस वन गाइस। सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मिंत्रा क्लोदिंग हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई भी आइटम पसंद आया है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।